यस बेटे, कुल्फी कहानी दे लेखक सुजान सिंह, जिन्हां दा जन्म डेरा बाबा नानक गुरदासपुर 1909 विच होया। पिता दा नाम हकीम सिंह। उन्हां दी पुस्तक शहर ते ग्रां नूं साहित्य अकादमी दा पुरस्कार मिलिया। उन्हां दी पुस्तक शहर ते ग्रां नूं जन्म 1909, शहर ते ग्रां नूं नोबल पुरस्कार मिलिया, साहित्य अकादमी दा पुरस्कार मिलिया। नेक्स्ट लिखो, कुल्फी वेचन वाले ने की होका दिता? कुल्फी वेचन वाले ने की होका दिता? मलाई वाली कुल्फी, पैसे दी तंगी, किस्ती तंगी तो भी भैड़ी है, हवा लाती। पैसे दी तंगी, हवा लाती तंगी तो भी भैड़ी है। हिकमत शब्द का की अर्थ है? कुल्फी कहानी वेच हिकमत शब्द का की अर्थ है? हिकमत खिदमत नहीं बेटे, और जफरनामा इकांगी चा खिदमत इधर है। खिदमत वर्ड हिकमत, हिकमत है वैदगी जा हकीमी, वैदगी जा हकीमी। हिकमत शब्द का अर्थ है वैदगी जा हकीमी। काका किस वेले कुल्फी लैन ले खान ले मन गया? शाम वेले। बेरोजगारी दे भविख ने लेखक नू की किता सी? कंबा दिता सी। बेरोजगारी दे भविख ने लेखक नू की कर दिता? कंबा दिता। नेक्स्ट, मंगन विच किन्ना दुख है? मौत जिन्ना। मंगन विच मौत जिन्ना दुख है? सिर्फ क्वेश्चन लिखे, उसके सामने वन वर्ड च आंसर लिख लो। उत्थे ऑप्शन आ सकती है, मौत जिन्ना दुख, जिन्ना सुख, जिन्ना घट, उसके च आएगा मौत जिन्ना दुख है। नेक्स्ट वन इज, हिया शब्द तो की अर्थ है? के लेखक दा हिया नहीं सी पिया, अपने मालक नू कह के उसकी तनख्वाह वधा दिती जाए। किया मीन्स हिम्मत, हौसला, हौसला जहां हिम्मत। किया शब्द का की अर्थ है? हिम्मत जहां हौसला। नींद तो आखदे ने, अगे लाइन कंप्लीट करो। नींद तो आखदे ने डैश से भी आ जाती है। ऑप्शन है कंडियां ते, सूलां ते, दरी ते, मिट्टी ते। सूलां ते, लेसन दे अकॉर्डिंग सूलां ते। कुल्फी कहानी दे अकॉर्डिंग सूलां ते। वैसे जे दी थां ते कंडिया है, कंडिया दा मतलब ही सूल हुंदा है, ठीक है, पर वर्ड की यूज कीता कहानी सूलां ते। नेक्स्ट वर्ड इज, काका कहानीकार दे नेड़े किस नाल खेड रिहा सी? रबड़ दी बत्तख नाल। रबड़ दी बत्तख नाल काका किस नाल खेड रहा सी बेटे? कहानीकार दे नेड़े रबड़ दी बत्तख नाल। उत्थे आएगा रबड़ दी गेंद नाल, रबड़ दे फुटबॉल नाल, ठीक है, कि ओनली रबड़ दे नाल। की आना? रबड़ दी बत्तख दे नाल। नेक्स्ट वन इज, कुल्फी वेचन वाला कहानी नू कहानी काके नू की लेके पिया? चपेड़। वेरी गुड। कुल्फी वेचन वाला काके नू की लेके पिया? चपेड़। ओ कदों? जदों उन्हें किन्नू तक्का मार के डेग दिता? शाह दे मुंडे बुल्ली नू। शाह दे मुंडे बुल्ली नू। नेक्स्ट,
ਕੁਝ ਵੰਡ ਛੁਦਿਆ ਨੇ ਕਾਇਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਬਹਾਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਡਰਪੋਕ ਬਹਾਦਰ ਲਾਲਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਹਾਦਰ ਕੁਝ ਵੰਡ ਛੁਦਿਆ ਨੇ ਬਲੈਂਕ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਾਇਰ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਤਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਮਨੋ ਕੀ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਰਗ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਕੇ ਦਾ ਮਨੋ ਦਿਲ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਕੇ ਦਾ ਮਾਨੋ ਸੁਪਨਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਕੇ ਦਾ ਮਾਨੋ ਇੱਛਾ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਕੇ ਦਾ ਮਾਨੋ ਸਵਰਗ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਰਗ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਕਾਕਾ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਤਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਕਾਕਾ ਪਰ ਅੱਗੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਆਖੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਦਸੰਬਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਕਿਸਦਾ ਜਨਮ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ 576 ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਡਿਆਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 576 ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਕੀਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਲਾਕਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਸਨ ਚਾਰ ਲੇਖਕ ਚਾਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੋ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ 17 ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਕਾਂਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੇਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 2006 ਮੇਬੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋਏਗੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਸ ਅਸਤ ਖਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫਿਰ ਅਸਤ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਵਨ ਮਾਰਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏ ਲਾਲਚੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸਵਾਰਥੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ
औरंगजेब की तीसरी पत्नी का नाम बेगम उदयपुरी, क्यों जी पत्नी इतालवी इतालवी जेड़ी के औरंगजेब का बहुत ध्यान रखती है। नेक्स्ट, औरंगजेब का बिस्तरा कितों के कलीन उपर विछया होया है? ईरानी कलीन उपर, ईरानी कलीन उपर विछया होया है। कारपेट मीन्स कलीन मीन्स कारपेट, क्यों जे ईरान तो मंगवाया होया, ईरानी कलीन उपर विछया होया है। नोट कर लो बेटे, औरंगजेब की पगड़ी किस दिया तारा नाल मड़ी हुई है? सोने दिया। औरंगजेब की पगड़ी केड़िया तारा नाल मड़ी हुई है? सोने दिया तारा नाल। औरंगजेब का कमरबंद किसका बनिया होया है? केड़े फैब्रिक का बनिया? सिल्क का कमरबंद जेड़ा बनिया होया उन्हें कादा बनिया होया बेटे? सिल्क का। नेक्स्ट वन इज, औरंगजेब ने अपने कमरबंद विच की टुंगिया होया सी? खंजर। की टुंगिया होया सी? खंजर। औरंगजेब ने हाथ विच की फड़िया होया? सोटी। औरंगजेब अनुसार कुदरत की हो गई है? कहरवान। कुदरत की हो गई है? कहरवान। काबल शब्द का की अर्थ है? काबल शब्द का अर्थ है योग। काबल कैपेबल जिन कहते हैं योग, काबल शब्द का अर्थ है योग। औरंगजेब नाच और साज बारे की आखदा है? नाच और साज बारे की आखदा है? इनू राग रंग भी क्या है? की कहंदा है इहदे बारे? कि फौरन बंद कर दिता जाए, जदों पर्दा उठते ही उन्हों आवाज परेशान करती है। वैसे तो पर्दा उठते उन्हों आवाज केड़ी सुनाई दिंदी है? हनेरी चक्खड़ दी। हनेरी चक्खड़ जो कि समान अर्थ समासी शब्द है, ठीक है? ते जदों उन्हों आवाजा परेशान कर दिया ने कि उन्हें जो भी किता गलत किता, तां उन्हों मैलां दे विच राग रंग नाच साज आवाजा चंगिया नहीं लगदियां, उन्हां नूं फौरन बंद करन दी गल करता है। नेक्स्ट लिखो, महरूम शब्द का की अर्थ है? महरूम। महरूम शब्द का अर्थ है वांझा। आवाज अनुसार अहलकार ते सूबेदार किसी उड़ीक कर रहे हैं? औरंगजेब की मौत का इंतजार कर रहे हैं। औरंगजेब शराब नोशी करन वालियां नूं की हुक्म दिंदा है? गिरफ्तारी दे हुक्म दिंदा है। औरंगजेब दा पिता कौन सी? शाहजहान। औरंगजेब दा पिता शाहजहान, जिसने औरंगजेब ने अपने पिता दी मौत दी भी इंतजार नहीं सी कीती। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किन्ने साल परजा दा चैन खोया? ते किन्ने साल अपने राज नूं मजबूत करन विच लगा? 48 साल। नोट करो बेटे, 48 साल उन्हें मजबूत करन विच दिन रात इक कर दिता। दिन रात इक कर दिता, किन्ने साल? 48 साल। नेक्स्ट, मुगलां नूं दक्खन विचों कढ़न लई कित्थों दा बच्चा बच्चा उठ खड़ा होया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दा कौन सी जो मुगलां नूं दक्खन विचों कढ़न लई उठ खड़ा होया? बच्चा बच्चा। दोनों तरह नाल क्वेश्चन हो सकता है। केड़ी स्टेट? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, औरंगजेब कित्थों दी फौज मंगवा के बगावत नूं कुचलन दी गल करदा है? दिल्ली दी। आवाज अनुसार मुगल सल्तनत दियां जड़ां खोखलियां करन लई जिम्मेवार कौन है? औरंगजेब। मुगल सल्तनत दियां जड़ां खोखलियां करन लई कौन जिम्मेवार है?
ਕਿਹੜੀ ਹਵਸਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ? ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਵਸਾ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ। ਕਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ। ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਇਸੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਆਇਆ। ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਮੀਨਸ ਭੁਲੇਖਾ, ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਮੀਨਸ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨੀ, ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਮੀਨਸ ਖੁਸ਼ਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਭੁਲੇਖਾ। ਨੈਕਸਟ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਨੂੰ, ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ, ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ। ਮੁਮਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮੁਮਕਿਨ, ਮੁਮਕਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਭਵ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੰਭਵ। ਮੁਮਕਿਨ ਬਿਹਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਧ, ਬਿਹਤਰੀ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। ਜ਼ਿੰਨਤ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਜਗਾਇਆ? ਅੰਮੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਬੇਗਮ ਨੇ। ਜੇ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚ, ਅੰਮੀ ਬੇਗਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਜ਼ਿੰਨਤ ਉਨ ਨਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ, ਅਸਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਨਤ ਉਨ ਨਿਸਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਹੀ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦਾ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ? ਜ਼ਿੰਨਤ ਉਨ ਨਿਸਾ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜ਼ਿੰਨਤ ਉਨ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜ਼ਿੰਨਤ ਉਨ ਨਿਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ? 30 ਸਾਲ। ਮੁਫੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮੁਫੀਦ, ਇਹ ਵਰਡ ਕੌਣ ਯੂਜ ਕਰਦਾ? ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ, ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫੀਦ ਰਹੇਗੀ, ਲਾਭਦਾਇਕ, ਲਾਹੇਵੰਦ। ਜੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿਖਣਾ, ਜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫੀਦ ਰਹੇਗੀ, ਮੁਫੀਦ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਸੋਜ। ਅਲਾਮਤ, ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਲਾਮਤ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਭਰੇ ਹਨ? ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਹੈ,
अलामत चिंता भरी है। नेक्स्ट वन इज गुरु गोबिंद सिंह जी दा खत लेके औरंगजेब नु कौन मिलिया? भाई दया सिंह। जफरनामे ने किसे जब केड़े जज्बे नु हलून के रख दिता? औरंगजेब दे इंसानी जज्बे नु, केड़े जज्बे नु, किसे जज्बे नु? औरंगजेब दे गुरु गोबिंद सिंह जी नाल केड़े फौजदार जा रले सन? फौजदार सैद खां ते रमजान खां। केड़ा मुगल शहजादा और केड़ा मुगल शहजादा गुरु गोबिंद सिंह दे हक विच बोलदा सी, हक विच उठ खड़ा होया? मुअज्जम। केड़ा मुगल शहजादा? मुअज्जम। किसे हक विच बोलदा सी? गुरु गोबिंद सिंह जी दे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब नू मिलन लई किथे पैगाम, किथों दा पैगाम भेजा सी? मालवे दे कांगड़ नगर ते इकांगी दी घटना दा स्थान केड़ा है? अहमद नगर। नोट करो बेटे दोनों वर्ड, इकांगी दा घटना स्थान अहमद नगर। समा सवेर दा, ईयर केड़ा है? 1706। 1706 च घटना वापरी है। नोट करो बच्चे टेबल बना के, घटना 1706 च वापरी। समा सवेर दा, स्थान है अहमद नगर। ते किथे मिलन दा पैगाम भेजिया? मालवे दे कांगड़ नगर। नेक्स्ट, सिखा नू पंजाब विच किसने काबू किता होया सी? वजीर खान ने। ते सारे सिख किसे झंडे हेठ इकट्ठे होए? गुरु जी दे, गुरु जी दे झंडे हेठ इकट्ठे होए है पंजाब दे सिख, पंजाब दे लोग किसे झंडे हेठ इकट्ठे होए? गुरु जी दे। ते काबू किसने किता होया सी? वजीर खान ने। औरंगजेब नाल धोखा किने किता? वजीर खान ने। धोखा करके किसी तोहीन कीती? इस्लाम दी। नोट करो बेटे, इस्लाम दी तोहीन कीती। तोहीन दा की भाव है? तोहीन, बेइज्जती, बेइज्जती कीती है तोहीन किदी? इस्लाम धर्म दी। किदे नाल धोखा कीता? औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीदी देण दा हुक्म किसने सुनाया? औरंगजेब ने। ठीक है, ते गुरु जी नाल धोखा वजीर खान ने किता, ते पिछों हमला भी किसने किता? वजीर खान। आखरी उम्र दा सहारा कौन बनिया औरंगजेब दा? उसकी पुत्री जीनत उन्निसा। क्लियर है बेटे? हुण आपां गल करिए वो आर्थिक शब्द। एदे अकॉर्डिंग बेटे सैटरडे दा टेस्ट होना, जफरनामा, इकांगी, कुल्फी कहानी, वो आर्थिक शब्द। हुण आपां गल करिए वो आर्थिक शब्द, जेड़े अपने थोड़े जे वो आर्थिक शब्द रहंदे आ बच्चे। नोट करो बेटे, बोली, बोली, फुट तो बाद है फूक, फुट तो बाद लिखो फूक। फूक का मतलब है हवा। उसे स्कूटर दी अचानक फूक निकल गई, खुशामद, हवा, खुशामद। मुंह विच हवा भरनी, फूक देनी मीन्स किसे चीज नू हवा देनी। पशु नू नलकी राही दवाई देने ली उसने पिछों फूक मारी। ठीक है, क्लियर है बेटे? एक फूक का मतलब है साड़ना। दुशहरे वाले दिन रावण का पुतला फूकिया जाता है। फूक का मतलब साड़ना, फूक का मतलब खुशामद या चापलूसी, फूक का मतलब हवा। ठीक है, एक हवा है जड़ी टायर दे वाली, एक हवा है मुंह विच भरन वाली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज फुल।
फुल का मतलब है पुष्प, फ्लावर। फुल का मतलब है मोटापा। फुल का मतलब है अहंकार। फुल का मतलब है अहंकार। फुल का मतलब है सब्जी का फुल। अहंकार, मोटापा, हल्का 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 फुल है का। उधर तो कोई वजन ही नहीं है। इस ए बोरी तो हल्की फुल है, इधर वजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फुल का मतलब है पुष्प, सब्जी का फुल, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो बोली। बोली भाषा, बोली का मतलब है भाषा। बोली का मतलब है ताने देने, ताने देने। बोली कविता दी एक तुक, एक बोली है। जो कोई मज सू जाती है ना तो बोली निकलती है, ठीक है। बोली बोली कहते हैं, वो बोली खाते है मझ दी, पशु दी बोली, ठीक है बेटे, उन्होंने बोली कहते हैं। नेक्स्ट लिखो पन। बोली तो बाद लिखो पन। पन मीन तोड़ना, पन मीन्स भन्नना, पन मीन्स वट, वट जा वल, वट जा वल। केस कमीज विच पन पे हुए है, इन्हू प्रेस करवा लो ते ओ वट च भी आना, ओ वल च भी आना, ठीक है। आपा ऑलरेडी वट शब्द किता होया। वट मीन्स गुस्सा, मुंह क्यों वटिया होया। वट मीन्स कमाई, पैसे वटने, ठीक है। वट मीन्स कमीज से वट पे होने, वल पे होने, ठीक है। ओ वल शब्द विच भी आंदा है। वल मीन्स पासे, ठीक है। तू किस वल है, परमात्मा सब वल है। वल मीन्स वल मीन्स वट, हां वल मीन्स वल पै जाना, ठीक है। जिन्हू वल कहंदे आ ओ भी वट, वट पै गया, वल पै गया। नेक्स्ट वर्ड इज भन दा है बेटे, भन्नने। उसने गन्ने भन के चुप्पे। भन दा मतलब तोड़ना, तोड़ना। बादाम भन के खाते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज भर। भर मीन्स भरना, भर मीन्स पूरा, भर मीन्स तारना, तारना। भर मीन्स पकना, पकना। जख्म भर गया, इसनू चीरा दवाना पैना, पक गया, ठीक है। इत्थे भरना की है, पानी भर लिया। इत्थे पूरा गिलास उपर तक भरिया होया है, पूरा भरिया। बिल बिजली का बिल भर आओ, तार आओ, क्लियर। एक है तारना, एक है भरना, एक है पकना। जख्म भर गया है, इसनू चीरा दवा लो, क्लियर है बेटे।